सिनेमा जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं तो बवाल ही मच जाता है। इस लिस्ट में बॉलीवुड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का भी नाम शामिल है। अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस बार NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है। राम गोपाल वर्मा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कमेंट करते हुए ट्वीट किया, अगर द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि कौरव कौन है। रामगोपाल वर्मा ने NDA राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार फिल्म मेकर के बोल बिगड़ चुके हैं। रामगोपाल वर्मा ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर किसी ने फिल्म मेकर को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वहीं BJP नेताओं ने इस ट्वीट पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कुछ BJP नेताओं ने इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए हैदराबाद पुलिस स्टेशन में फिल्म मेकर के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने शिकायत को कानूनी सलाह के लिए भेजा है। उनका कहना है कि कानूनी सलाह मिलने के बाद इस पर शिकायत दर्ज करेंगे। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।